केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अपने गृह नगर ग्वालियर पहुंच रहे हैं। 22 सितंबर को उनके स्वागत के लिए उनके समर्थकों के साथ जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से लगा है। गली गली और हर चौराहे के नजारा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया ही सरकार है। यह होर्डिंग जो आप देख रहे हैं, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों द्वारा लगाया गया है। पूरा ग्वालियर शहर ऐसे ही होर्डिंग से पटा पड़ा है। मौका है उड्डयन मंत्री बनने के बाद सिंधिया के पहले ग्वालियर आगमन का, लेकिन सिंधिया सरकार बताते हुए लगाए गए यह होर्डिंग चर्चा का विषय बने हुए हैं। खैर, यह तो सिंधिया समर्थक हैं, उनके द्वारा अपने महाराज को सरकार मानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से शहर में उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है, लगता है कि जिला प्रशासन स्वयं यह भूल गया है कि धारा 144 उन्हीं ने लगाई है, जिसके चलते आम नागरिकों को सार्वजनिक कार्यक्रम करने व भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। अब उसी धारा 144 के होते हुए सिंधिया के स्वागत के लिए बीजेपी भव्य यात्रा का आयोजन कर रही है और प्रशासन इस यात्रा की तैयारी में दिन रात एक कर रहा है। सिंधिया समर्थक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर की जनता से कह रहे हैं कि सिंधिया जी का ग्वालियर में ऐसा स्वागत हो कि इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा का रिकॉर्ड टूट जाए। सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का भी कहना है कि 22 सितंबर को सिंधिया जी का ग्वालियर में भव्य स्वागत होने वाला है, जिसकी साक्षी ग्वालियर की समस्त जनता बनने वाली है। श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी बाई रोड धौलपुर मुरैना पुरानी छावनी बड़ापुर सिंधे की छावनी नदी गेट जयेंद्रगंज पुराना हाईकोर्ट रूटपोल से पाटन का चौराया दौलतगंज होते हुए गोरखी जाएंगे और पार्टी का सम्मानीय साथी और आमजन जहां उनको अपने वो स्थान पर स्वागत करना चाहते हैं स्वागत करेंगे। कांग्रेस का भी कहना है कि हमारे कार्यक्रम होने पर जिला प्रशासन FIR कर देता है तो सिंधिया जी को छूट क्यों? वहीं कानून विश्लेषक विनोद शर्मा का कहना है कि सत्ता में बैठा हर आदमी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करता आ रहा है। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसका जिम्मेदार सिंधिया जी शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रशासन होगा। हर आदमी जो सत्ता में बैठा है वो पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करता चला आ रहा है। ग्वालियर में सिंधिया जी कई प्रोग्राम में आए, उन्होंने कई बार उल्लंघन किया, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर यहाँ पर महामारी फैलेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या सिंधिया जी? अभी भी तीसरी लहर जो आने की संभावना है, खुद शासन प्रशासन निर्देश दे रहा है कि अभी आप मास्क लगाइए, ये किए वो करिए, सारे निर्देशों का पालन करिए, लेकिन इन लोगों के लिए कोई निर्देश आदेश नहीं होंगे, इनको परमिशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ऐसा कोई बड़ा भारी वो नहीं है कि उनके लिए इतने मुरैना से लेकर के और ग्वालियर तक जो होगा नाटक, इसे रोकना चाहिए प्रशासन को मुस्तैदी के साथ में। विपक्ष कितना ही जोर लगा ले और देश का कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन इस समय वही कानून है जो सिंधिया चाहे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जरूर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सच्चाई यही है कि सिंधिया ही सरकार है, जो इन होर्डिंग्स के माध्यम से साबित हो रही है। गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।